ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीदये नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मुखं करोति वाचलं पङ्गुर्लङ्घयति गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आज हम श्रीमद्भागवतम के पंचम स्कंद के विंशति अध्याय के चतुर्विंशति श्लोक से शुरू करके अष्टविंशति श्लोक तक हम पाठ करेंगे, क्यों ना इसमें चतुर्शति विंशति शीर्षक से ये तात्पर्य नहीं है। तो मैं इसको श्लोक प्लस इसके अनुवाद पढ़ के हम आगे अष्टविंशति श्लोक में तात्पर्य है वो हम सभी एक साथ दोहराएंगे। एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परितो उपवेशित शोकदीप दात्रिसत् लक्षयोजन आयाम समानेन च दधि मंड उदेन परित जस्मिन् साको नाम महिरुद सक्षेत्र व्यापदेशक जस्य ह महाशूरभि गंध तद्दीपम अनुवासयति। अनुवाद इस प्रकार है, खीर समुद्र से बाहर साक द्वीप है जिसकी चौड़ाई 32 लक्ष योजन 2,56,000,000 माइल है। जिस प्रकार क्रंच द्वीप अपने ही खीर सागर से घिरा है उसी प्रकार साक द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मट्टे के समुद्र से घिरे हैं। साक द्वीप में एक विशाल साक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा है। इस वृक्ष अत्यंत सुगंधित है, इसके सारा द्वीप महकता रहता है। नेक्स्ट 25 तस्यापि पयव्रत एवाधिपति नामना मेघानिधि निधिः सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु
সাত্মজান পুরোজ বমনোজ বমনজ পবমান ধ্রুমানিক চিত্ররেক বহু রূপ বিশ্বধার সঙ্গানিধাপ আধিপতি স্বয়ং ভগবান অনন্ত আবেশিত মতিস্ত পবনম প্রবিবেশ। इसके अनुवाद इस प्रकार है, इस दीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र मेधानिधि थे, उन्होंने भी अपने दीप को सात भागों में विभाजित करके उनके नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा और उन्हें उन दीपों का राजा बना दिया। उनके उन पुत्रों के नाम है पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानिक चित्ररेप बहुरूप तथा विश्वधार। इस दीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनके राजा बनाकर मेधापति स्वयं विरक्त हो गए और उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के चरणारविंद में लगाने के उद्देश्य में ध्यान यज्ञ एक तपोवन में प्रवेश किया। नेक्स्ट 26। एतेषां वर्षमर्यादा गिरयनद्य च सप्त एव ईशान उरुशृङ्गबलभद्र शतकेशरसहस्रशतस्तत्र देवपालमहानस इति अनघा आयुर्दा अभयसृष्टि अपराजिता पञ्चवती पञ्चपदी सहस्रस्तुति निजधृति इति। इसके अनुवाद इस प्रकार, इन दीपों में भी सात मर्यादा पर्वत तथा सात ही नदियाँ हैं। पर्वतों के नाम ईशान उरुशृंग बलभद्र शतकेसर सहस्त्र स्त्रोत्र देवपाल तथा महानम है तथा नदियाँ अनोघा आयुर्दा অভয়সৃষ্টি অপরাজিতা। জয় শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহন শ্রী কৃষ্ণ নাম শ্রী গৌরনিতাই শ্রী শ্রী কৃষ্ণদেব ভগবান কী জয়। নদিয়া অনঘা আয়ুর্দা অভয়সৃষ্টি অপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রস্তুতি তথা নিজধৃতি হে। 27। তদ্বর্ষ পুরুষা ঋতব্রত সত্যব্রত দানব্রত অনুব্রত নামান ভগবন্তম আয়ু আত্মকম প্রাণায়াম বিধূত রজতমস পরম সমাধি না জয়ন্তে। ইসকে অনুবাদ ইস প্রকার হ্যাঁ, উন দীপকে বাসি ভি ঋতুব্রত সত্যব্রত দানব্রত তথা অনুব্রত ইন চার বর্ণ মে বিভক্ত হে যো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তথা শূদ্রকে সমান হে। এই প্রাণায়াম তথা যোগ সাধ্য হে আর সমাধি দ্বারা বায়ুরূপ মে পরমেশ্বর ভগবান কি উপাসনা করতে হে। আবি 28। হম সব একসাথ ইসমে দৌড়াঙ্গে। অন্তপবিশ্বধূতানি যো বিভত যো বিভাতি আত্মকেতুভি অন্তর্যামি ঈশ্বর সাক্ষাৎ পাতু সরি অন্তর্যামি ঈশ্বর সাক্ষাৎ পাতু নদ যদ বেশ স্ফুটম অন্তপবিশ্ব ভূতানি যো বিভার্তি আত্মকেতুভি
अन्तर्जामी ईश्वरः साक्षात् पातु न जत् वसुस्फुटम् अन्तर्प्रविश्य भूतानि जो विश्वत् जो विश् जो विभार्ति आत्मकेतुभिः अन्तर्जामि ईश्वरः साक्षात् पातु न यत् वसे न वसे स्फुटम् अन्तःप्रविश्य भूतानि जो विवर्ति आत्मकेतुभिः अन्तर्जामि ईश्वर साक्षात् यत् वसे। इसके अर्थ इस प्रकार अन्तःप्रविश्य अन्तःकरण में प्रवेश करके भूतानि समस्त प्राणियों का या जो विभर्ति पालन करता है आत्मकेतु भी अंत वायु की क्रियाओं प्राण अपान इत्यादि द्वारा अंतर्जामी अंतस्थ परमात्मा ईश्वर परमेश्वर साक्षात् साक्षात् पातु पालन करे न हमारा जत बसी जिसके वश में स्फुटम विराट जगत। अनुवाद तथा तात्पर्य शील जगतगुरु शील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु शील प्रभुपाद की। सागदीप के निवासी वायु रूप में श्री भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्द से करते हैं। हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायु यथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट के विराट जगत के नियामक, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। कृपा करके मेरे पीछे कहिए,
सागदीप के निवासी वायु रूप में श्री भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्द से करते हैं। हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा के रूप में स्थित आप विभिन्न वायुओं यथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। तात्पर्य, योगी जन प्राणायाम नामक योग क्रिया के बल से शरीर के भीतर वायु को रखकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार योगी समाधि दशा को प्राप्त होते हैं और अपने हृदय प्रवेश में भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। अपने हृदय प्रदेश में श्री भगवान को अंतर्जामी रूप में देखकर उसमें तल्लीन रहने के लिए समाधि की अवस्था प्राप्त करना आवश्यक हो, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है। यहाँ इस अध्याय के इस श्लोक के तात्पर्य समाप्त है। ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परियनाशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगन ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्तदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मा वदन्नाय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदिशि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस विंशति अध्याय में ब्रह्मांड रचना के विश्लेषण में
हम कुछ दिन से हम श्रवण करके आ रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की जो भगवान रचना किया है, और ये रचना करने वाले जो भगवान है वो कितने महान है, इस विषय में हम देखते हैं। क्यों ना ये जो हम एक ब्रह्मांड देख रहे हैं, ऐसे जो भगवान जो खीरदक साई विष्णु के रूप में खीर सामुद्र लेटे हुए हैं, तो उनके इस प्रकार से रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि हो रहे हैं, और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ये ब्रह्मांड के बारे में हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इतना निपुण रूप से यहाँ दिए हुए हैं कि ब्रह्मांड में जो अलग अलग द्वीप है, अलग अलग द्वीपों में किस प्रकार से कितने दूरत्व है कौन से द्वीप का, और उसमें कितने सागर के द्वारा घिरे हुए हैं, और कितने नदियां है, कितने पर्वत है, इतना एकदम डिटेल्स रूप में दिए हुए हैं जो साधारण जो विज्ञानी लोग जो है उनके लिए एक एक असंभव है। क्यों ना विज्ञानी लोग इस ब्रह्मांड के ही ये जो वर्णन करने के लिए उनको पूरा एकदम हिमसिम हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो ये जो वर्णन हम देखते हैं, इस वर्णन से यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये जो शाक द्वीप है, जिसके एक साप शाक करके एक वृक्ष है, ऐसे जैसे हम देखते हैं अलग अलग द्वीप है, एक दोधी द्वीप है, शाक द्वीप है, तो ये सब द्वीप अलग अलग द्वीप में महाराज प्रियव्रत के पुत्रों के अलग अलग जो पुत्र हैं उनके नाम से ये द्वीप के नाम भी ऐसे अलग अलग है, और वहाँ उनके जो पुत्र लोगों के नामों से अलग अलग विभाजित किया है, उनको दायित्व दिए हुए हैं, और उनके योजन भी कैसे वो भी वर्णन किया हुआ है। तो यही हम देखते हैं कि जो प्रियव्रत महाराज थे, उन्होंने ये शशाग्र पृथ्वी के राजा थे, और उनके जो रथ के पहिया से ये जो अलग अलग समुद्र सृष्टि हुए हैं, और वहाँ से सब ये सारे सब विभाजन हुआ है। तो इससे द्वारा हम देख सकते हैं कि पहले जो राजा लोग थे उनके इस प्रकार से इतना गुण होने के बावजूद भी ये सारे सब भगवान के चरण में शरणागत थे। यही हम देखते हैं कि जो परीक्षित महाराज, जिन्होंने भी सारा विश्व के स्वसागर राजा थे, और उन्होंने जब इस प्रकार से मृत्यु के समय उपस्थित हुए हैं, तो इतने सारा जो वर्णन सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णन हो रहे, तो ये सुनते हुए भी उनके मन में भगवान के लीला सुनने के बाद भी उनके मन में ये विचार आया कि ये जो ब्रह्मांड के बारे में सुनना चाहिए। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा
समीचीनम वचो ब्रह्मण सर्वस्व सॉरी भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममाया यथा इदं श्रीयते विश्वम दुर्विभावम अधिसरौ। उन्होंने कह रहे कि भूय एव विवित्सामि, मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ, क्यों ना भगवान आत्ममाया, कि किस प्रकार से भगवान अपनी निजी शक्तियाँ से इस दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। तो यद्यपि हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज को समय बहुत ही कम थे, केवल उनको 7 दिन मिले थे, कि 7 दिन के बाद उसको तक्षक के द्वारा उनके मृत्यु होने वाले हैं। और इस 7 दिन में जब उन्होंने इस प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जब भगवान के लीला श्रवण कर रहे थे, तो जब लीला श्रवण करते करते उनके जब भगवान के प्रति इतना एक एक अत्यंत एक प्रेममयी भाव उनके मन में आए, फिर भी ये सब श्रवण करने के बावजूद भी उन्होंने ये ब्रह्मांड सृष्टि के बारे में उन्होंने जानना चाह रहे था। क्यों ना ये ब्रह्मांड सृष्टि के द्वारा ही भगवान जो कितना महान है ये बहुत सुंदर रूप से जान सकता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज के मन में ये प्रश्न आया है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता रहता है। अतएव महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझते थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु के को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसे होते हैं जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतएव गुरु को ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात ना हो यज्ञ गुरु से पूछे जाने चाहिए। और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु महाराज परीक्षित को यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी सीख चुके हैं, जन्मादस्य यतः। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानने चाहते थे। उन्हें सृष्टि का जगत उद्गम ज्ञात था, अन्यथा ये यह प्रश्न कैसे कर सकते हैं कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस घटना से भरे जगत की सृष्टि कैसे की। जय श्री श्री राधा मदन मोहन श्री कृष्ण नाम श्री गौर निताय नरसिंह भगवान की। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृजन किसी स्रष्टा द्वारा किया जाते हैं, सृष्टि स्वतः उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमें संसार में ऐसे कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई है। मूर्ख लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और उसी तरह स्वतः कार्यशील है जिस तरह से विद्युत शक्ति कार्य करती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्ति घर के दक्ष इंजीनियर के निदर्शन में उत्पन्न की जाती है और वहाँ की इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरण की जाती है। सृष्टि के संबंध में भगवान की अध्यक्षता के वर्णन भगवद्गीता में भी मिलता है और वहाँ यह पर सृष्ट उल्लेख है कि
कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियाँ अवश्य एक प्राकट्य हैं। एक अनुभव विहीन बालक इलेक्ट्रॉनिक के निराकार कार्यकलाप को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सचिव व्यक्ति रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद जी हमको एक अनुभव बता रहे कि ऐसे इस विश्व जगत में जो कुछ वस्तु हम देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक सृष्टि कटने वाले है। तो इसलिए परीक्षित महाराज को पहले से ही पता था कि ये जो ब्रह्मांड है वा ये सृष्टि प्रकरण है इसके पीछे जो सृष्टिकर्ता है वो परमेश्वर भगवान है। फिर भी उन्होंने इसको इस प्रकार से क्यों पूछा ना, जिस प्रकार से यदि कोई ज्ञान हमको लेना है तो एक दक्ष व्यक्ति से लेना चाहिए। तो यहाँ परीक्षित महाराज अच्छा से जानते थे कि इसमें दक्ष जो गुरु है वा व्यक्ति है वो है सुखदेव गोस्वामी। तो इन्होंने सुखदेव गोस्वामी से एक ज्ञान पूछा जिसमें भविष्य में कोई व्यक्ति इसको अपने अपने मन से ना वर्णन कर पाए। तो इसलिए पहले से ही परीक्षित महाराज इसके बारे में प्रश्न पूछे थे और सुखदेव गोस्वामी में उन प्रश्नों के उत्तर इतना सुंदर रूप से दिया। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भगवान से सारे सब विभिन्न विस्तार हुआ है। फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया कि भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण और उनसे नारायण पुरुषावतार तथा अन्य असंख्य रूप, जो नदी के असंख्य तरंग की भांति निम्नतर प्रभावित होते रहते हैं, ये सब एक ही है। ये समान शक्ति वाले दीपक के भांति है जो एक दूसरे से प्रदीप्त करते हैं, वही भगवान की दिव्य शक्ति है। तो इस प्रकार से जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भगवान पहले ये आपने खुद को बलदेव से विस्तार किया और फिर बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से प्रद्युम्न और फिर प्रद्युम्न से द्वितीय संकर्षण और उनमें से नारायण पुरुषोत्तर के रूप में इस भौतिक जगत में आए हैं। जिस प्रकार से नदियाँ असंख्य तरंगों के साथ इस भौतिक जगत में आते हैं, इस प्रकार से भगवान भी उनके जो असंख्य अवतारों के साथ इस भौतिक जगत में आए हैं और आके इस भौतिक जगत में उन्होंने इस सृष्टि कार्य को सुंदर रूप से संचालन कर रहे हैं। और जो बुद्धिमान है भगवान के इस सृष्टि तत्व को समझकर उन्होंने भगवान के प्रति शरणागत होकर अपने जो इस भगवान के शरण में जाकर इस भौतिक जगत से फिर वापस जा सकते हैं। तो यहाँ हम इस श्लोक में देखते हैं कि यहाँ आज के इस श्लोक में कह रहे हैं कि
ये जो सागदीप के जो निवासी है ये वायु के रूप में श्री भगवान को उपासना करते हैं, और ये निम्नलिखित शब्द से भगवान को पास प्रार्थना करते हैं कि हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा के रूप में आप स्थित विभिन्न वायु तथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं की संचलन करने वाले तथा समस्त जीवात्मा का पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा के, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारे रक्षा करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो साग दिवासी जो निवासी लोग हैं, ये इनको भगवान के पास इस प्रकार से प्रार्थना करते थे। तो इसके द्वारा हमको भी ये शिक्षा लेना चाहिए कि इन जो निवासियों लोग हैं जो भगवान के इतना शुद्ध भक्त लिखे थे, तो इन्होंने ऐसे एक मार्ग के द्वारा हमको सिखा रहे कि हम कैसे भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। विशेष तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो योगी जन है प्राणायाम के द्वारा ये हमारे शरीर के भीतर जो वायु है, प्राण वायु और अपान वायु, इस प्रकार से जो होता है, तो इसको रोक कर स्वस्थ को सुस्त रखते हैं। इसलिए कहते हैं योग, योगासन। तो ये जो विशेष करके हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में यही वर्णन कर रहे हैं कि अष्टांग योग के द्वारा जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो अष्टांग योग, ये अष्टांग योग के द्वारा किस प्रकार धीरे धीरे इस वायु को रोक कर हम समाधि के स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन इस षष्ठ अध्याय के अंतिम में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यद्यपि ये अष्टांग योग के द्वारा कोई धीरे धीरे ये वायु को रुक कर उसको समाधि स्तर पे जा सकते हैं, और फिर समाधि स्तर में जब उत्तरायण आते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं, तब वो भगवान के पास चले जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। तो वहाँ इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मम तत्वयुक्त तमोमतः, कि जो श्रद्धावान व्यक्ति केवल मेरे हमेशा ही युक्त रहते हैं, मेरे नाम में मेरे याद करते हुए, तो वो बहुत आसान रूप से मेरे पास आ सकता है। इतना ये जो अष्टांग योग के भी उनको कोई जरूरत नहीं होता है। तो इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी हमको ये जो एक सुंदर प्रोसेस दिए भक्ति योग, तो ये भक्ति योग के द्वारा हम बहुत सुंदर रूप से भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक जगह में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भक्ति योग में दो चीज बहुत जरूरत होता है भक्ति करने के लिए। वो दो चीज क्या है? पहले तो एक है कि जन्म अच्छा हो, जो जन्म भक्त कुल में यदि हो जाए, और एक होता है कि हमारे जो जो मार्ग है वो मार्ग अच्छा मिल जाए। ये दो चीज बहुत जरूरत होता है। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोग को जो ये
दो चीज में से एक चीज तो बहुत अच्छा ही मिला है, क्यों ना ये जो भक्ति मार्ग हमको मिला है, जो प्रभुपाद जी हमको दिया है, जिसके द्वारा हम इसमें यदि जुड़े भी रहे, कुछ करे या ना करे, इसके द्वारा ये हम भगवान के पास चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए ये जो मौका मिला है, इसको लेके हमको आगे जाना चाहिए, जिसके द्वारा हम भगवान के पास वापस लौट के जा सकता है। तो आज के दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है, एक सुंदर दिन है, क्यों ना आज के दिन ऐसे ही एक भगवान के कृपा से ऐसे ही एक शुद्ध भक्त के आविर्भाव हुए थे। ऐसे 500 लगभग 500 साल पहले जो हम देखते हैं कि उस समय जो स्वयं कृष्ण इस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने आके खुद अपने लीला विलास किया और लीला विलास करने के बाद उन्होंने इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए उनके सारे जो पार्षद है वा भक्त है उनको आह्वान किया खुद। तो हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ऐसे नीलाचल से जगन्नाथ पुरी से वृंदावन जाने के लिए सारे भक्तों से अनुमति लिए और अनुमति लेने के बाद जब इन्होंने नवद्वीप से जाते हुए नवद्वीप से शांतिपुर होते हुए जब ये क्या बोलते हैं कन्हाई के नाटशाला तक गए, तब ये जो पद है नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, इन्होंने उस मार्ग को फूल के द्वारा रचाया और कन्हाई के नाटशाला तक फूल के रचने के बाद उन्होंने बताया कि इस बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इससे और अधिक नहीं जाएंगे। तो जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कन्हाई के नाटशाला तक गए और वहां जाके उन्होंने क्या किया, एक दिन महाप्रभु कीर्तने नाचिते नरोत्तम नाम कही डाके अचम्बिते नित्यानंदे अंगे प्रभु अंग हिलाइया कत शत धारा बहे नहने बहिया प्रभु कही पद्मावती धर प्रेमलय नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे दिह नित्यानंद सह प्रेम राखिल तुमा स्थाने जत्न करी यहा तुमि राखिबे गोपने। तो श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ नृत्य करते हुए नरोत्तम नरोत्तम करने करके करके पुकारा, तो सारे भक्तों लोग सोचने लगा कि नरोत्तम कौन है। तो जब इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछे गए तो उन्होंने बताया कि नरोत्तम अभी आने वाले हैं और उसके लिए मैं ये पद्मावती में, तो ये जो प्रेम कृष्ण प्रेम ये जत्न से गोपने में यहाँ रख के जा रहा हूँ। और तब फिर पद्मावती पूछे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि नरोत्तम कौन है, तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताया, जहार पर से तुम्हें अधि गुछालिबा से नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताया कि जो जब नरोत्तम दास ठाकुर
तुम्हारे इस पानी में नहाने के लिए आएंगे तो अब तुम्हारे पानी उछल जाएगा, मतलब ज़्यादा बढ़ते हुए बाढ़ जैसे हो जाएंगे। तब तुम सोचो कि वही नरोत्तम है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर, इनके आविर्भाव जो है, ये जो अभी जो बांग्लादेश है उसके उसके राजशाही जिला में खेतुड़ी करके गांव है वहाँ, और इस खेतुड़ी गांव जो है ये बहुत ही विख्यात है। क्यों ना, जिस प्रकार से आज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के कृपा से जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सारा जगत में एक बहुत एक आलोड़न सृष्टि किया, एक विख्यात रूप में परिचित हुआ है, तो ये जो सूचना है ये आज से 500 साल पहले जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए उनके बाद जाह्नवा माता के तत्वावधान में नरोत्तम दास और ये सारे सब वैष्णव लोग एक खेतुड़ी गांव में एक उत्सव बनाए थे। हजारों सब वैष्णव लोग उस खेतुड़ी गांव में आए थे और जाह्नवा माता के तत्वावधान में इस प्रकार से बहुत बड़े एक मेल हुए थे। तो वहाँ ये नरोत्तम दास ठाकुर के उनके आविर्भाव स्थान है 1531 ख्रीष्टाब्द। उनके पिता के नाम था राजा कृष्णानंद, इन्होंने राजा था उस खेतुड़ी गांव के, वहाँ उनके राजधानी थे, और माता थी नारायणी देवी, और पुत्र प्राप्ति के लिए राजा कृष्णचंद्र हर दिन, जिस प्रकार से हम देखते हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बुलाने के लिए जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि ये जगत में लोग इतना पाप कर रहे हैं, कई भगवान के बारे में सोच रहे भी नहीं, और भगवान के जो भक्ति कार्य वो भी नहीं कर रहे हैं, तो ये देख के उनके मन में जो दुख आया था, इसके कारण उन्होंने सोचा कि ये भगवान के कोई अवतार इसको ये नहीं कर पाएगा, इस पाप से निवृत्ति नहीं कर पाएगा, स्वयं भगवान को ही आना चाहिएगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तब उन्होंने हर दिन गंगा जल और तुलसी के द्वारा पूजन करते थे और भगवान को पुकारते थे। तो ये अद्वैत आचार्य प्रभु के जो पुकारना, जिसको कहते हैं नाड़ा, मतलब भगवान को इतना जोर से हिलाया उनके वैकुंठ को, गोलोक वृंदावन को, तो भगवान को खुद आना पड़े। तो इस प्रकार से ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो पिताश्री है राजा कृष्णानंद, उन्होंने भी हर दिन तुलसी और चंदन के द्वारा उन्होंने शालग्राम शिला को पूजन करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए। तो उनके ये पूजन से भगवान इतना खुश हो गए। तो एक दिन एक ज्योतिषी ने आए और आके बताया कि ये राजन, आपके जो पत्नी नारायणी देवी, उनके गर्भ में एक महापुरुष आएंगे और जिसके द्वारा सारे खेतुड़ी गांव के कल्याण हो जाएगा, और केवल खेतुड़ी नहीं है, सारा जगत के मंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक भविष्यवाणी किए थे, और उसके बाद जब
नरोत्तम दास ठाकुर ने, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर के लिए पुकारा, तो नरोत्तम दास ठाकुर के नारायणी माता के गर्भ में उनके आविर्भाव हुआ है। और आविर्भाव होने के बाद 6 महीने के बाद जब पुत्र के अन्नप्राशन के व्यवस्था किया, तब अन्नप्राशन के मतलब है कि जब बच्चे को पहले बार मुंह में कुछ ग्रेन दिया जाते हैं उसको अन्नप्राशन कहते हैं। और वो ग्रेन क्या होना चाहिए? भगवान विष्णु के ही प्रसाद होना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग अन्नप्राशन करते हैं कुछ भी खिला देते हैं, सब क्या करते हैं, एक पार्टी रखते हैं, पार्टी में क्या क्या ना सब रखते हैं, लेकिन असली जो चीज़ है वो नहीं रखते। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से अन्नप्राशन के समय जो नरोत्तम दास ठाकुर के पिताश्री है वो राजा है, तो उस प्रकार से राज व्यवस्था जैसे होता है, बहुत कुछ एकदम महंगाई सब व्यवस्था रहता है, तो इस प्रकार व्यवस्था किया और नरोत्तम दास ठाकुर के मुंह में कुछ अन्न देने के लिए व्यवस्था किया, प्रसाद नहीं है अन्न, तो क्या हुआ? पुत्र मुखे अन्न देन जतन करिया नाही खाए अन्न रहे मुख फिराइया अनेक प्रकार कैल ना कैल ग्रहण होइल सवार महा चिंता युक्त मन। तो इस प्रकार से जब अन्न दिया तो नरोत्तम दास ठाकुर उसको ग्रहण नहीं किया। तो सोचिए, एक राजपुत्र है, उनको ऐसे खाने खिलाने के लिए गए और नहीं खाया, तो सभी के चिंता हो गया, क्या हुआ क्या हुआ। तब दैवज्ञ कहें इथे चिंता ना करिवे बिना विष्णु नैवेद्ये कभुना भुंजीवे। सेईखने विष्णुर प्रसाद अन्न लइया पुत्र मुखे दीते तेह खाइया हर्ष होइया। तब तुरंत राजा, सोचो क्या राजा के पुत्र मतलब क्या ये है, तुरंत भेज दिया, जाओ देखो प्रसाद लेके आओ भगवान के मंदिर से। तो तुरंत भेज दिया लोग और गए वहाँ से विष्णु के प्रसाद लेके आए और नरोत्तम दास ठाकुर के मुंह में प्रसाद दिया और नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत हर्ष मतलब आनंद के साथ उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो ये हमको इसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि जो हम देखा कि भक्ति के दो चीज बा दो वस्तु हमको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, एक वंश और एक जो मार्ग। तो यहाँ जो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो, जो भगवान के जो प्रसाद जो ना होता है वो जितना भी ऑपुलेंट हो लेकिन वो कोई काम के नहीं है। तो इसलिए हमको ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, केवल सुन के ही नहीं, इसको जीवन में अपनाना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर बड़े हुए हैं और विद्या पाठ लाभ किया है। तो एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर जब पद्मा नदी में नहाने के लिए गए, तब नरोत्तम दास ठाकुर जब वहाँ जाके नहाया, तब नहाने से साथ तुरंत उसके शरीर के जो वर्ण है वो एकदम गोरा वर्ण हो गया और पूरा चेंज हो गए। और इस प्रकार से उनके जब वो गए नहाने के लिए, तब तो पानी ऐसे उछलने लगा, तब तो पद्मा नदी समझ गया कि यही नरोत्तम है, तो उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया जो महाप्रभु रख के गए थे।
और वो कृष्णपण प्रदान करते वो इतना बातुल के तरह हो गया, महाप्रभु के नाम लेके, कृष्ण के नाम लेके पूरा हंसते हुए, रोते हुए, लेटते हुए पूरा एक एकदम उन्माद तरह हो गया है। कृष्ण उन्माद, ऐसे उन्माद नहीं है। तो जब इस प्रकार से हुआ तो उनके पिता माता के पास वे संवाद पहुंचे। तो राजा के पुत्र है, इस प्रकार से जब होता है तो कैसे हालत होता है। तुरंत सारे सभी सब मंत्री सेना टेना सब लेके आके एकदम उसको जब लेके गए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, खिदाए पीड़ित माता आनो कुछ खाई, खाइया सकल कथा कही बथाई, भक्षण सामग्री सब प्रस्तुत आछिल, অতি যত্ন করি তাহা সবই খাওয়াইল, ভক্ষণ করি বসিলেন পিতার নিকটে, কহিতে কহিতে লাগিল বড় পড়িনু সংকটে, গৌরবর্ণ এক শিশু হৃদয়ে পশিল, সেই হইতে প্রাণ মোর এমত হইল, না থাকিব এথা আমি যাব বৃন্দাবন, রাখিতে তোমরা মোরে না কর যতন। তো নতুন দাস ঠাকুর বতায়া কি এ যো মায় নাহায়া নাহাকে তুরন্ত মেরে হৃদয়কে অন্দর এক গোরে এক ব্যক্তি হৃদয় মে অন্দর আগে আহে আর জিসকে কারণ মেরে এই হালত হে আর मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वृंदावन चले जाऊँगा और आप लोग मुझे यहाँ रहने के लिए प्रयास ना करें। जब इस प्रकार से हुआ तो सभी लोग सोचा कि इनको कुछ भूत ऐसे लग गया है। तो एक ज्योतिषी आए, ज्योतिषी आके वो दिक्कत टिक्कर कहा कि एक जैकल को हिंदी में क्या कहते हैं, सिगाल। तो ज्योतिषी कहा देखकर कि इसको ये वायु रोग आ गया है, ये भूत रूत कुछ नहीं है, वायु रोग आ गया है। तो ये वायु रोग ठीक करने के लिए एक सिगाल मार के फिर उसको जो ये है उसको ये करना पड़ेगा तो इसको वायु रोग जाएगा। तो इस प्रकार से जब कहा तब नरोत्तम दास ठाकुर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस श्रीगाल को ना मार के उसको पाप मेरे पास आएगा तो उसको ना करे, मैं तो ऐसे ही ठीक हो गया हूँ। तो इस प्रकार से जब नरोत्तम दास ठाकुर के अवस्था हुआ तो उनके पिता माँ क्या माता देखा कि ये तो वृंदावन चले जाएंगे तो उनको सब पहरी के द्वारा बहुत अच्छा करके एकदम बांध के रखा है, जिस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के रखा था। लेकिन अभी समय हो गया है, ज़्यादा नहीं है, 9 बज गया है। तो ये इसके बाद हम देखते हैं उनको पहाड़ में रखे हैं। लेकिन एक दिन वो इस प्रकार से जब उनके जो पिता है वो एक मुसलमान जागीरदार के अधीन में था और वो मुसलमान जागीरदार जब नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में ऐसे सुना तो उन्होंने उनके देखने के लिए चाहा। तो वो जागीरदार जब इस प्रकार से उनको बुलाया तो उनके पिता माता उनको आदेश दिया वहाँ जाने के लिए। और वो जब जा रहे थे तो वो बीच में वो पहाड़ी लोग जब थोड़ा ऐसे उनके थोड़ा नींद आ गया तो उनसे भागने लगा रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह। और फिर उन्होंने इस प्रकार से वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में आने के पहले यहाँ पहले मथुरा में आए और वहाँ मथुरा में आके एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने विश्राम लिया और ब्राह्मण के आशीर्वाद लेके वो वृंदावन में वो गमन किया। और वृंदावन में जाके पहले उन्होंने गोविंद देव के दर्शन किया और जब गोविंद देव के दर्शन करने के लिए गया वहाँ जीव गोस्वामी से उनके मिलन हुआ है। और फिर जीव गोस्वामी
उनको श्रीनिवास आचार्य के पास लेके गए और फिर बाद में सभी मिलके लोकनाथ गोस्वामी के पास लेके गए और लोकनाथ गोस्वामी के पास रहने लगे वहाँ। और कुछ दिन के बाद लोकनाथ गोस्वामी इस प्रकार से जब उन्होंने शौचालय करते थे जो जगह है तो वो नरोत्तम दास ठाकुर हर दिन उस जगह को बहुत अच्छा से सफाई करते थे। तो लोकनाथ दास गोस्वामी को पता नहीं चलते थे कौन सफाई करते हैं। तो लोकनाथ दास गोस्वामी उन्होंने ऐसे जीवन में व्रत लिए थे कि मैं कभी शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा। तो उन्होंने जब देखा कि ऐसे कोई सफाई करते हैं तार उनके जो सेवा के भावना देखकर तो उन्होंने तब उनको शिष्य के रूप में ग्रहण किया है। और इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर बाद में उनको श्रीजीव गोस्वामी ने नरोत्तम श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद तीनों को बंगाल में भेजा किताब लेकर। लेकिन रास्ता में वन विष्णुपुर करके एक जायगा में बीरहम्बी करके एक राजा उन सब किताब ले लिए थे। तो फिर श्रीनिवास आचार्य वहाँ रहे तो बाद में श्रीनिवास आचार्य सब किताब उनसे राजा से प्रसन्न करके भागवतम सुना के फिर प्राप्त हुआ है। फिर उन्होंने वापस आ गया है। और इधर नरोत्तम दास ठाकुर आर श्यामानंद प्रभु उन्होंने बंगाल चले गए थे और वहाँ जाके उन्होंने बहुत प्रचार किया, खेतुड़ी के महोत्सव बनाया और वहाँ बहुत प्रचार करके बहुत सारी भक्त बनाया। इस प्रकार से और बहुत सारी लीला है लेकिन अभी 5 मिनट ज़्यादा हो गया है, हम यहाँ ही समाप्ति करें। तो किसी को यदि कोई कुछ प्रश्न रहे व कुछ पूछना रहे बाद में हमको पूछ सकते हैं, यहाँ ही हम समाप्ति करें। श्रीमद् भागवतम की, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, श्रीमद् गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।